हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सलाम। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। जब आप एक यूट्यूब क्रिएटर है और आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक यूट्यूब चैनल है और उस चैनल को आप मोनेटाइजेशन करने वाला है, जिसका फेस मैं कर चुका हूँ। मतलब आप उसके बारे में क्या क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप उसको मेंटेनेशन करने के लिए कुछ भी करता है, जैसे कि आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है, वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया है, जैसे कि 4000 घंटा वॉच टाइम होना जरूरी है। तो यूट्यूब ने एक तो लिंक दे के रखा है कि 4000 घंटा यानी 1000 सब्सक्राइबर, ये 100% आपको होना ही है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि 4000 घंटा भी आपका कंप्लीट हो चुका है यानी 1000 सब्सक्राइब भी आपका कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको अभी यूट्यूब से पैसा ही कमाना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि YouTube ने तो ऐसे ही पैसा आपको दे रखा नहीं है। उसमें तो कुछ आपको मेहनत करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो दोस्तों, YouTube ने ऐसा कर दिया अभी कि जब आपके पास एक YouTube चैनल है तो इसके लिए आप एक अलग से क्लास लेना पड़ता है, नहीं तो आप YouTube से ही जानना पड़ता है। तो दोस्तों, आपके पास YouTube चैनल है और उसको आप मोनेटाइजेशन करने के लिए आप अप्लाई करने वाला है तो इस वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों, आप जब मेंटेशन अप्लाई कर देते हो ना, तब तो आपको एक यूट्यूब से जो ऐसा है कि एक बात तो आपको पता ही होगा, जब जैसे कि आप यूट्यूब में काम करने से यूट्यूब आपको पैसा देता नहीं है, पैसा देता है जो गूगल एक्सेंस होता है वो देता है। जैसे कि आप स्कूल में पढ़ाते हो जो बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो आपको स्कूल से तो पैसा मिलता नहीं है, वो तो सरकार देता है। ठीक उसी तरह आप यूट्यूब में काम करते हो, आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो, तो आपको पैसा तो यूट्यूब ने देता नहीं है, क्योंकि गूगल एक्सेंस ने देता है। तब गूगल एक्सेंस के लिए उसके लिए पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है, इसके लिए भी कुछ वेरीफाई करना पड़ता है, उसके कुछ अलग ही सिस्टम है। वो तो करने के लिए आप जब कर लोगी तो आपको पता चलेगा, जब टू स्टेप में जाओगी। उसको मैं भी कुछ बारे में कुछ बोल चुका हूँ, तो आपको देख लेना है डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ कि आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप मोनेटाइजेशन करने के लिए आप घूम रहे हैं, इसका टाइम हो रहा है। तो दोस्तों, इसके सक्सेसफुल टाइम है कि आप एक छोटा सा यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आप उसको मोनेटाइजेशन करने वाला है, तो ये वीडियो आपको देखना है। जब आपका 4000 घंटा वॉच टाइम हो जाएगा, जब आप अप्लाई कर दोगे ना मोनेटाइजेशन के लिए, तो उसमें मैनुअल जब अभी सिस्टम कंप्यूटर करता है, तब उस टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा, आपका जो यूट्यूब चैनल होगा, वो आपको किसी हम जैसा लोग ही है, उससे उसमें जो यूट्यूब टीम में काम करता है, उस लोगों ने आपका जो चैनल है वो रिव्यू करेगा, मैनुअल रिव्यू करेगा। उस खुद अब तो आप देखेंगे कि आप क्या काम करते हो, किस तरह का वीडियो बनाते हो, या आपका वीडियो है या यूट्यूब का वीडियो है या कॉपीराइट का है या किसी दूसरे लोगों की चैनल से आप उठाकर इससे सेम सेम डाल दिया है। तो दोस्तों, ज़रूरी है कि आपका चैनल में, तब जब आपका चैनल में किसी और चैनल का सेम वीडियो आपने डाल देगा तो स्ट्राइक होता है, कॉपीराइट होता है, वो आपको पता है। लेकिन कॉपीराइट नहीं होने से भी आपका चैनल में मतलब रीयूज हो सकता है। मतलब आपको दिखाता हूँ कि आपको डेस्कटॉप में दिखाता हूँ, मेरा कुछ ऐसा चैनल है, मेरा 5 चैनल है जो एक मेंटेनेशन हो गया है और एक अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन उसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें जिसका वीडियो में हाइस्ट व्यू होगा तो यूट्यूब में आपको क्या चेक करता है। तो यूट्यूब चैनल आप जब अप्लाई कर देते हो, तब आपको यूट्यूब चैनल में आपका क्या चेक करता है उसके बारे में आपको दिखाऊंगी। कि मैं बोल देता हूँ कि आपका जिस वीडियो में हाइस्ट व्यूज होगा उसको आप चेक करेगा, वो यूट्यूब ने कुछ अच्छी तरह से चेक करेगा कि उस वीडियो आपने बार बार तो देखा नहीं है, क्योंकि एक ही वीडियो आपने बार बार किसी एक ही सिस्टम में तो वॉच टाइम लाने के लिए देखा नहीं है, यानी उसमें कॉपीराइट कुछ है, यानी कि सेम वीडियो दूसरे के चैनल में है और आप उसमें क्या क्या टाइम लगाया है, कष्ट किया है, तो उसको चेक करता है। और चेक करने के बाद जब आपका चैनल जब देखता है कि हाँ वो आपका रियल वीडियो है, आपका रियल कुछ अपलोड किया है, तो आपको चैनल को मेंटेनेंस के लिए भेज देता है, और नहीं तो उसको रीअप्लाई कर देता है। तो मतलब रीअप्लाई का मतलब आप रीअप्लाई करो, और रीयूज्ड मतलब रीयूज्ड आने का मतलब है कि सेम वीडियो आपने कुछ और ही चैनल में यूज हो रखा है। जब ऐसा हो जाएगा तो आप 14 डेज के आपका टाइम दिया जाएगा कि 14 डेज के अंदर अंदर आप सेम एक वीडियो बनाओ कि यूट्यूब के टीम से मैं गलती नहीं करूंगी, सेम वीडियो बना के देता हूँ कि मैं दूसरा वीडियो के नहीं डालूंगी, मैं अपना खुद का वीडियो डालूंगी, ऐसा एक वीडियो डाल के देना पड़ता है। फिर आपका चैनल उन लोगों के सामने फिर भी वो रिव्यू के लिए भेज देता है, और रिव्यू करने के बाद आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है। जब आपका 10000 घंटा हो गया है यानी 1 लाख घंटा भी हो गया है, तो भी आपका जिस वीडियो में हाइस्ट व्यू आएगा और जिस शॉर्ट में हाइस्ट आएगा उसी में आपका रिव्यू के लिए वो लोग चेक करेगा। तो दोस्तों, याद रखना है कि मोनेटाइजेशन के लिए आप पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आप कहीं आपका चैनल ही रीयूज का कैटेगरी में मत डाल देना है। दोस्तों, आपका चैनल है, आप कुछ अलग अलग वीडियो बनाते रहो, डालते रहो,
और एक दिन आपको वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के लिए तो 365 डेज चाहिए, एक साल के अंदर अंदर ही आपको पूरा का पूरा वॉच टाइम 4000 घंटे वॉच टाइम होना जरूरी है। दोस्तों आपको मैंने एक बात दिखाता हूँ कि जब मेरे 14 दिन के लिए भी कुछ टाइम दिन पहले भी ऐसा कर दिया था मैं कि मेरे 4 चैनल है, एक में तो डॉलर पूरा बन चुका है लेकिन दूसरा जो चैनल होता है उसमें तो पूरा ही घाटा चला गया है। जैसे कि आपको दिखाता हूँ कि इसमें कम से कम 40,000 घंटा के ऊपर है लेकिन 2 वीडियो ऐसा है जो उसको लगता है कि दूसरे के चैनल में है और जिसका व्यू भी ज़्यादा ऊपर है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि उसी वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। जब आपको डिलीट कर दोगी तो आपको वॉच टाइम माइनस हो जाएगा, तो 40,000 घंटा माइनस हो जाएगा, हो जाने दो, लेकिन आपका सेम वीडियो भी व्यूज आ चुका है उसका आपको, क्योंकि आपका चैनल में कितना घंटा व्यूज है, जिस वीडियो आप डिलीट कर रहे हो उस वीडियो में कितना घंटा वॉच टाइम है और आपका चैनल में रहेगा कितना, क्योंकि आप डिलीट करने के 10 मिनट के बाद ही आपका चैनल का जो वॉच टाइम होता है, वैल्यू होता है, वो माइनस में चला जाता है, उस वीडियो में जितना आया था वो माइनस में। दोस्तों आप सभी को आई होप पता ही चला गया कि जब आपका रिव्यूज आ जाता है उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे का वीडियो मत यूज़ करो। और यूज़ करने के लिए आपका फायदा होगा कि एक होता है कि आपका सब्सक्राइबर क्रिएट होगा, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपका चैनल है तो ऐसा करो, लेकिन मेरा चैनल है 3000 के आसपास ही है, जो दूसरा चैनल है उसको मैं मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई कर दिया था, लेकिन उसके में बहुत ही ऐसा रिव्यूज आ गया क्योंकि मिलियन के ऊपर व्यूज है, जैसे चैनल का नाम है RK360 किसी और भी होता है, तो उसमें आपको देखना है कि उसका कम से कम कुछ भी कम नहीं कर रहा है, मतलब उसका चैनल ही खत्म हो जाएगा जब आपको ऐसा वीडियो गलती का वीडियो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं देने वाला हूं उस चैनल पे। ये तो मैं म्यूजिक में डाल दिया कि उस चैनल पे भी यूट्यूब की टीम को मैं भेजने वाला हूँ, क्योंकि चैनल में अपलोड करने से यूट्यूब टीम आपका चेक नहीं करेगी, यूट्यूब टीम को भेजना पड़ेगा ऐसा करके कि मैं गलती दोबारा नहीं करूँगी। तो दोस्तों उस चैनल में तो ऐसा आ गया था क्योंकि मेरा 2 चैनल आज तक मोनेटाइज हो जाने वाला था, जब आपको और 14 दिन बाद ही वो उस चैनल होगा, 14 दिन बाद मैंने अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा वीडियो डालना पड़ेगा और वो बाकी वीडियो मैंने डिलीट करना पड़ेगा जो वीडियो में आपको लगता है यूट्यूब को कि आपका ये कॉपीराइट नहीं आया भला है कि, लेकिन आपको डॉलर भी बन गया लेकिन आपका चैनल डिमोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा आज नहीं तो कल, ही याद रखना ये वीडियो आपका होना जरूरी है। जब आपका म्यूजिक चैनल होगा उसमें कहीं कहीं आप म्यूजिक यूज कर सकता है, उसमें कॉपीराइट आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा और कॉपीराइट नहीं है तो कुछ डॉलर बन जाएगा, लेकिन मोनेटाइजेशन के लिए जब आप म्यूजिक में भी देगा तब भी आपको याद रखना ओरिजिनल कंटेंट होना जरूरी है, जिस ओरिजिनल कंटेंट में सबसे ज़्यादा व्यू होना जरूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मेरा भी एक चैनल है जो रियूज्ड में चला गया था, तो आपको दिखाता हूँ कि 14 डेज के बाद ही आपको इस चैनल में आपको इस चैनल को रिव्यू के लिए फिर भी अप्लाई करेंगे। जैसे कि उसका भी गूगल पेंट आने वाला था लेकिन अब तो 14 दिन बाद ही हो जाएगा, तो 14 डेज के लिए गूगल का एक जो क्या होता है, गूगल का एक जो रूल है, रूल का मुताबिक आपको 14 दिन के लिए वो तो आपको बैन किया जाएगा, 14 दिन के बाद ही आप फिर भी अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 3 बार मिस्टेक करोगे ना, 3 बार अप्लाई, जब यूट्यूब बोलेगा आपको वीडियो डिलीट करो, आप जब डिलीट नहीं करोगे तब यूट्यूब चैनल में आपका अप्लाई बटन ही चला जाएगा, क्योंकि यूट्यूब बटन आपको बहुत 2-3 बार ही मिलता है, 4 बार मिलता है, मैं जैसे जानता हूँ कि 3 बार आपको यूट्यूब प्ले बटन, मतलब यूट्यूब आप अप्ले करने का जो बटन होता है नीचे जो अप्ले लिखा होता है उस बटन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो बटन नहीं है जो आपको गिफ्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, तो उसको अप्लाई करने वाला जो चीज़ है वो 3 चीज़ होता है, तो ये भी आपको चला जाएगा, तो देखते रहना है। और मेरा फर्स्ट पेमेंट वीडियो आ रहा है, उसमें बहुत कष्ट किया था, वो इसी जो चैनल में अभी मैं दे रहा हूँ उसी चैनल में आएगा, तो बहुत कष्ट कर लिया था, लेकिन वो तो थोड़ा टाइम लगता है, यूट्यूब का पैसा ऐसा नहीं मिलता है फॉरवर्ड पे, अभी पहले मिलता था कि 2015 में ऐसा मिलता था कि यूट्यूब चैनल में वीडियो डालो और मोनेटाइजेशन हो गया, कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत स्ट्रांग हो गया है, ऐसा स्ट्रांग हो गया है कि आपका चैनल में कौन सा कैटेगरी में है, कौन सा वीडियो, जैसे कि आपको म्यूजिक का वीडियो डाल दिया उसमें कैटेगरी हो गया ब्लॉग का कैटेगरी मिल रहा है, तो आपका तो मतलब उसमें तो जितना पैसा आने वाला था उतना पैसा आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको म्यूजिक का ही कैटेगरी होना चाहिए, आप ब्लॉग का डाल दिया आपका कैटेगरी सिलेक्ट हो रहा है म्यूजिक, इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि एक वीडियो में आपको $500 मिलेगा, एक वीडियो में आपको $10 मिलेगा, एक वीडियो में आपको ₹500 मिले, एक वीडियो में आपको ₹10 भी मिलेगा नहीं, ऐसा होता है क्योंकि व्यू ज़्यादा होने से भी नहीं मिलता है, लेकिन उसका कैटेगरी क्या है, क्या किसका मतलब उसका व्यूज़ कितना है, वॉच टाइम कितना है, इसके सपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है, आपका चैनल मोनेटाइजेशन कर रहा है तो आपका चैनल में आज नहीं तो कल करेगा, तो दूसरे का जितना वीडियो है वो डिलीट कर दो भैया, जब आपका यूट्यूब के आपका जो वेरीफाई हो जाएगा ना तब दिक्कत हो जाएगा, और जब जिस वीडियो में आपका कॉपीराइट क्लेम है वो मोनेटाइजेशन के
जब आप पहले अप्लाई करोगे ना, उससे पहले जिस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम है भला ही आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उसको अप्लाई करने में दिक्कत आएगा, तो वो डिलीट करो अभी नहीं, आज नहीं तो कल। तो कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। और कॉपीराइट आ गया है लेकिन सेम वीडियो दूसरे का यूट्यूब में है, क्योंकि वो बड़ा चैनल है आपसे पहले दे रखा है, तो भी आपका मुश्किल आ जाएगा, तो उसको भी आप डिलीट करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका चैनल में दूसरे का वीडियो होता है तो डिलीट कर दो दोस्तों। आज मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक यूट्यूब क्रिएटर है और आपका चैनल रीयूज हो जाएगा। रीयूज के लिए ये तरीका है, एक छोटा मोटा टिप्स है, आप समझ लो। रीयूज के बचने के लिए ये टिप्स आपको बताया गया है। आपका चैनल है तो ये आपको देखना है, रीयूज सोचना है कि रीयूज के लिए ये टिप्स आपको बताया गया है। तो जय हिंद दोस्तों। आपको रीयूज के लिए जब आपको प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपको देखता दिखाता हूँ कि कैसा प्रॉब्लम आ सकता है आपका चैनल पे। तो दोस्तों आपको रीयूज के थोड़ा सा बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ कि वो तो फ्रंट से जूम करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको बैक कैमरा से आपको दिखाता हूँ कि रीयूज कैसा लिखा होता है और आपके चैनल में किस तरह आएगा और इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या नहीं यूज़ कर सकते, वो भी साइट में दिया गया है। तो आओ डेस्कटॉप में चले आओ। तो डेस्कटॉप में चले आने के बाद आपको दिखाऊंगी कि उसमें क्या क्या होता है।